ग्लोबल सीईओ सर्वे 2023 के हिसाब से अगले साल में बांग्लादेश में बिजनेस सेक्टर के लिए तीन बड़े खतरे नजर आ रहे हैं, जो कि हैं बढ़ती कीमतें, व्यापार अस्थिरता और जियोपॉलिटिकल संघर्ष। और इस अस्थिरता में ऑटोमोबाइल्स और बैटरी इंडस्ट्री में भी गहरा असर देखा जा रहा है, और इसका सीधा असर बांग्लादेश में स्थित भारत की कंपनीज में होना स्वाभाविक है। जहां महिंद्रा कंपनी ने बांग्लादेश में 2019 में प्रोडक्शन हब शुरू किया था, अब बांग्लादेश के अस्थिर बिजनेस सेक्टर को देखते हुए महिंद्रा एंड महिंद्रा भारत की मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी बांग्लादेश से अपने प्रोडक्शन यूनिट्स बंद करने पर उतारू हो गई है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे किन कारणों से महिंद्रा बांग्लादेश प्राइवेट लिमिटेड अपनी सब्सिडियरी को बांग्लादेश से हटाने जा रही है, और क्या महिंद्रा कंपनी बांग्लादेश में अपना धंधा बिल्कुल बंद कर देगी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस बड़ी खबर की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। बांग्लादेश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री साउथ एशिया में तीसरे नंबर पर आती है। महिंद्रा के अलावा मित्सुबिशी और टोयोटा ने भी बांग्लादेश में पैसेंजर कार्स असेंबल करने के लिए बड़े प्लांट्स खोले हैं। जहां तक मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा की बात है तो मिशुक थ्री व्हीलर भी बांग्लादेश में ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। लेकिन 14 मार्च को महिंद्रा ने अपनी इनकॉर्पोरेटिव यूनिट को बंद करने का फैसला अनाउंस किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महिंद्रा कंपनी ने 1994 में बांग्लादेश में अपनी एंट्री के साथ हर सेक्टर में यूज होने वाले ऑटोमोबाइल्स को बांग्लादेश तक पहुंचाया, छोटे कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स और ट्रक्स के साथ लाखों कस्टमर्स को सर्व किया। इसके अलावा आपको बता दें कि पिछले साल अप्रैल 2022 में टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा और बजाज ऑटोज ने अपना जॉइंट वेंचर से बांग्लादेश के लोकल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करते हुए असेंबलिंग का मेजर पार्ट बांग्लादेश से ही शुरू किया था। और सिर्फ यही नहीं, महिंद्रा कंपनी ने लोकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ जुड़कर भी कई प्रोजेक्ट्स किए, जिनमें से एक है आफ्ताब ऑटोमोबाइल्स। आफ्ताब और महिंद्रा ने जुड़कर महिंद्रा के टू व्हीलर्स की फैक्ट्री चाटोग्राम में शुरू की थी, पर उसमें भी ज्यादा सक्सेस ना मिलता देख 2022 में बंद कर दी गई थी। लेकिन मीडिया को बताते हुए महिंद्रा के ऑफिशियल्स ने कहा कि मार्च 2022 तक महिंद्रा ने बांग्लादेश की MPBL से ऑलमोस्ट जीरो इनकम निकाली है। इसके साथ ही रियल नंबर्स में बताते हुए कहा कि 4 करोड़ टका यानी भारतीय रकम में 3.18 करोड़ उस यूनिट की नेटवर्थ है, जो कि महिंद्रा के मुंबई बेस्ड ऑटोमोबाइल्स की नेटवर्थ का 0.01% है। जिसको ध्यान में रखते हुए सितंबर 2022 की मीटिंग में महिंद्रा और महिंद्रा ग्रुप्स ने इस यूनिट को बंद करने का प्रपोजल रखा, तो इसी प्रोसेस के एंड में MPBL को 14 मार्च 2023 को पूर्णतः बंद करते हुए महिंद्रा ने बांग्लादेश में अपना व्यापार बरकरार रखा। जिसकी पुष्टि करते हुए महिंद्रा के ऑफिशियल्स ने कहा कि इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस महिंद्रा द्वारा बांग्लादेश में वैसे ही चलता रहेगा जैसे चलता आ रहा है, और बांग्लादेश में महिंद्रा का बिजनेस भी बंद नहीं होगा। तो बांग्लादेश में महिंद्रा के इस बड़े स्टेप पर आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो जाते जाते वीडियो को भी लाइक कर दें। जय हिंद, धन्यवाद।